वाराणसी में अदर्स फाउंडेशन नशा मुक्त केंद्र रामनगर द्वारा आयोजित अंडर 17 क्रिकेट और अंडर 14 क्रिकेट का फाइनल मैच हुआ। आज NER ग्राउंड लहतारा में हुआ समापन। समापन में मुख्य अतिथि के तौर पर माननीय श्री अनुराग त्रिवेदी MD आदर्श फाउंडेशन नशा मुक्त केंद्र, डॉक्टर दंत चिकित्सक धीरज सिंह संजय त्रिवेदी जी द्वारा ही प्राइज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। इस अवसर पर अरविंद श्रीवास्तव, काली भाई प्रमोद राय, योगेश सिंह भरत आदि लोग उपस्थित रहे। प्राइम डे की न्यूज चैनल के लिए रोहित सेठ, वाराणसी, उत्तर प्रदेश। मैं सरोज राय, भूतपूर्व रणजी ट्रॉफी प्लेयर। किस तरह का टूर्नामेंट है ये? क्रिकेट हमारा लगातार रहा है कि पूर्वांचल की जो मांग चल रही है उसे लार ये क्रिकेट होता रहता है। और आज हम सर आदर्श फाउंडेशन के लिए, जिससे हम लोग खुद इसके भोगी रहे हैं, और हम लोग चाहते हैं कि अगर इस खेल से कुछ बच्चे जो इग्नोर हो जाते हैं और चले जाते हैं, उनका एक संदेश है कि आदर्श फाउंडेशन संस्था एक ऐसी संस्था है जहां नशे से दूर की जाती है, और इस खेल से उनको ये मैसेज देने का काम चल रहा है। तो किसके किसके बीच में हुआ, कौन विजेता हुआ? आज हमारे गुरु कालीचरण अरविंद सिंह जी और कालीचरण एकेडमी वर्ष गोर के बीच था, जिसमें गोर की टीम जीत गई। मैं भाई से भी अच्छा रिप्रेजेंट किया उनकी टीम ने, मैं उनको भी बधाई देता हूँ। आदर्श फाउंडेशन नशा मुक्ति केंद्र रामनगर का आज किस समय आज का मैच बच्चों ने बहुत अच्छा पास किया, और ऐसे ऐसे बच्चों का जिसपे खेत है कि आज बच्चे धूप के गर्मियों में मौसम में इस तरह से खेला, और बड़ा अच्छा खेला, सारी का उत्साह था उसके साथ में, और तरफ से जो हमारी भागीदारी थी अदा किया है। और जबकि पिछले बार फिर हम लोग मैच के साथ कहाँ की टीम मेडल की है? गोरखपुर और कालीचरण क्रिकेट की टीम दोनों ने। आपका जो संस्था नशा मुक्ति है वो भी नशा से जुड़ने के लिए बच्चों को? जी जैसे ये है, नशा करने वाले व्यक्ति तो है, लेकिन अगर वो सहौल और परिवारिक ही गेम का है भारत में, लोग बच्चे अगर जाएँ या स्पोर्ट में जाएँ या फुटबॉल में, जो घर मोबाइल और गेम में खेल रहे हैं उनकी कोई लाइफ नहीं है कि बच्चे में आए और अपने मनोबल को आगे बढ़ाने के। अनुराग जी, जो बच्चे आपके यहाँ नशा से हो चुके हैं, क्या उनको उनका भी एक मैच कराने का योजना है? हाँ, अगर पिछले साल अगर व्यवस्था होगा तो इस बार मैच करवाऊंगा। ठीक, आइए।